Hello students, in today's video we are going to solve back exercise questions of chapter reproduction. So let's start. A part is choose and write the correct answer. First is sperms in males are produced in. Males mein sperm kahan produce hote hain? A testis, B scrotum, C epididymis and D penis. Answer will be A testis. Second is sexual maturity in males is obtained at the age of. Males mein sexual maturity kis age mein obtain hoti hai? Options are 14 years, 15 years, 16 years and 18 years. बच्चे आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग 16 ईयर्स लिखोगे बट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट एजेस दी गई हैं. सो 14 टू 16 ये रेंज है, इस बीच में मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑब्टेन कर लेते हैं. ओके, तो अगर आपने 16 अकॉर्डिंग टू योर बुक इट विल बी 16 ईयर्स. थर्ड इज मेल गैमेट इज कॉल्ड ए एंड. मेल गैमेट को क्या कहा जाता है? स्पर्म. फोर्थ इज द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड. फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर एम्ब्रियो, यूटेरस, जाइगोट, फीटस. आंसर विल बी जाइगोट. फिफ्थ इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब ओपन्स इन यूटेरस कॉल्ड. एक वाइड मस्कुलर ट्यूब जो यूटेरस में ओपन होती है उसे क्या कहते हैं? ए ओवरी, बी ट्यूब, सी ओविडक्ट, डी वजाइना. Answer will be oviduct. Six is amoeba reproduces through. Amoeba किस process के through reproduce करता है? Options are binary fission, fertilization, budding and D none of these. Answer will be binary fission. Seven is dash is a female reproductive organ. इनमें से कौन female reproductive organ है? Answer will be oviduct. Okay? बाकी जो थ्री ऑर्गन के नेम दिए गए हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नेम हैं. बी मैच द कॉलम्स. फर्स्ट इज टेस्टिस. टेस्टिस का मैच कॉलम बी में क्या होगा? टेस्टिस है आपका, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा. फर्स्ट का बी होगा. सेकेंड ओवरी इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो सेकेंड का मैच क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सी. थर्ड इज जाइगोट. जाइगोट इज फर्स्ट न्यू सेल. थर्ड का होगा ए फर्स्ट न्यू सेल. फोर्थ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. सो फोर्थ का होगा टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. फिफ्थ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. सो फिफ्थ में होगा, फिफ्थ का क्या होगा? डी. क्लियर? नाउ सी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड. आपको उस सेल का नेम बताने हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. तो बच्चे उनको हम गैमेट्स भी कहते हैं या फिर आप उन्हें स्पर्म सेल एंड ओवम सेल भी कह सकते हो. तो अगर आप यहाँ गैमेट्स लिखते हो वो भी राइट है, या फिर स्पर्म एंड ओवम सेल्स भी लिखते हो वो भी राइट है. सेकेंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स आर ऑल्सो कॉल्ड. नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स को और क्या कहा जाता है? आंसर विल बी फ्रेटर्नल ट्विन्स. थर्ड इज द फीमेल गैमेट इज. फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है? ओवा या एग सेल. फोर्थ इज द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड. स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन. तो आंसर क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन. फिफ्थ इज टेस्टिस प्रोड्यूसेस. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस स्पर्म. तो यहाँ पे आंसर आएगा स्पर्म. सिक्स्थ इज आईवीएफ स्टैंड्स फॉर. आईवीएफ स्टैंड फॉर क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्लियर है? सेवन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव्स राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड. गैमेट्स के फ्यूजन से एक सिंगल सेल बनता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर विल बी जाइगोट. ओके, सेवेंथ का क्या होगा? जाइगोट होगा.
बच्चे ये डी पार्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये करने हैं, ये आपको मैं पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी एंड साथ ही साथ आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है एंड उनके डिफरेंट पार्ट्स को लेवल करना है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू.